कितना चैलेंजिंग रहा ये सुपरनेचुरल थ्रिलर करना? हमेशा पॉजिटिव किया है हमेशा आपने, इसमें एक्टिंग के जो नौ रस है ना वो सारे मुझे करने के लिए मिलेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हूँ, वो कर रही हूँ जो आज तक कभी नहीं किया, और एक ऐसा शो का हिस्सा हूँ जो आज तक टीवी पे भी कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया है। बहुत ही क्लासीली शूट कर रहे हैं, महक का भूत मेरी बॉडी में आएगा और पोजेस करेगा मुझे, अभी आपने उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर देखा। सो एज एन एक्टर इट इज़ वेरी वेरी सैटिस्फाइंग, बहुत मज़ा आ रहा है। हाय विवेक, श्रुति बरजात्या फ्रॉम आज तक। हेलो, वेल माय क्वेश्चन इज, एक तरफ घर वाली रहेगी एक तरफ भूत वाली रहेगी, सो कैसे आप दोनों को मैनेज करने वाले हो? क्या कहा आपने, एक तरफ भूत वाली, एक घर वाली, यू हैड एक भूत वाली? अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे मैनेज करने वाला हूं? एग्जैक्टली भाई, दोनों बहुत खूबसूरत हैं। एक्चुअली जो शो का जो प्रमाइस है वो ये है कि जो भूत वाली है वो मुझे चाहती है, राजवीर को चाहती है, और वो किस तरह राजवीर के ऊपर पहले उसको वशीकरण उस पर करके एक स्पेल में डाल के और हम दोनों का ब्रेकअप करवाना चाहती है। सो कैसे मैनेज करेंगे वो तो अभी देखेंगे आप शो में कैसे मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे परिधि मेरा कवच है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि इनका कवच बनने की, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्पलेस पाता हूँ काफ़ी हद तक। क्या हुआ? सो यही है, दिस इज द जर्नी नाउ कि हाउ टू मिटिगेट द डेंजर जो दैट इज बीन क्रिएटेड बाय मंजुलिका। मतलब इतना हार्ड रोल कर रही हैं, एक्चुअली लोग 3 घंटे की फिल्म में ही इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको छुट्टी पे जाना पड़ता है, और 3 घंटे की मूवी में परेशान हो जाते हैं। लाइक भूत फिल्म के लिए उर्मिला जी ने जब किया था तो उन्होंने कहा था कि इतना मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे जाना पड़ा छुट्टी। अच्छा, पे हाँ। तो आप तो कंटिन्यू करने वाली हैं, तो कैसे मैनेज करेंगी? एक्चुअली पहले जब लोग मुझसे पूछते थे कि जो आप किरदार निभा रहे हो जैसे डिप्रेसिंग सीन्स होते हैं, हाउ डू यू स्विच ऑफ एज एन एक्टर, बट वहाँ पे कुछ ऐसी मुश्किल नहीं लगती थी, हाउ टू स्विच ऑफ, हाउ टू स्विच ऑन, क्या प्रेपरेशन करें। बट ये एक ऐसा शो है जो पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ दैट शूटिंग के वक्त डर नहीं लगता है, बिकॉज देयर एटलीस्ट 100 पीपल अराउंड यू। जब अंधेरे में रात में सीन्स करने होते हैं तब बिल्कुल डर नहीं लगता, बट व्हेन आई गेट होम तो माय माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स विद मी, मुझे नींद नहीं आती है। आई एक्चुअली फील कि यू नो पर्दे के पीछे कोई है, ओ ये आवाज़ कहाँ से आई, देयर इज समवन अंडर द बेड। तो ये थोड़ा स्पूकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है शूटिंग के बाद, तो आई थिंक आई हैव टू प्लान अ ब्रेक, कहीं जाना पड़ेगा छुट्टी लेके, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल टैक्सिंग, थोड़ा डर लगता है। सो थैंक यू सो मच, आई थिंक रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.